प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में इन दिनों अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। ऐसी कोई नदी नहीं बची है जिसमें खनन माफिया द्वारा खनन नहीं किया जा रहा हो। अब खनन माफिया से परेशान होकर ग्रामीण भी आगे आने लगे हैं और इसी के चलते हिमाचल हरियाणा सीमा पर स्थित भांगुवाल गाँव के लोग इन दिनों खनन माफिया से खासे परेशान है। खनन माफिया द्वारा गांव में जगह जगह रात के अंधेरे में जेसीबी मशीनें लगाकर खनन किया जा रहा है और प्रदेश के बेशकीमती खनन सामग्री को जहां माफिया लूटने में लगे हुए हैं, वहीं नदी पर बने पुलों, किसान की जमीनें और प्राकृतिक जल स्रोतों को भी नुकसान होने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर पुलिस थाना बरोटीवाला में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस को मौके पर बुलाकर मौके की स्थिति से रूबरू करवाया। तकरीबन काफी महीनों से लगातार चलता आ रहा है और इस बारे में हमारे जो मुखिया हैं और गांव वालों ने हैं काफी देर से इसके विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। कई माइनिंग वालों को और पुलिस थाना को और कई विभागों को इसके बारे में सूचित किया गया, मगर उनसे कोई हमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा। ये नहीं पता कुछ कारण यहाँ पे कुछ वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, मगर मुझे लगता है कि जैसे कार्रवाई नहीं हो रही है यही माना जा सकता है कि वो पैसे लेकर या इस बात को दबाया जा रहा है, अवैध खनन को आगे बढ़ोतरी दी जा रही है। तो मैं इस आपके माध्यम से सरकार को यही कहना चाहता हूं कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान लेकर जो अवैध खनन हो रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और अन्यथा नहीं हमारे गाँव वाले जो वो आंदोलन के लिए हमें उन्हें आगे आना पड़ेगा। कई महीनों से अवैध खनन हो रहा है जबकि ये हमारी जमीन साथ लगती है, हमारा बॉर्डर एरिया है। ये आज से नहीं, जब से मतलब हिमाचल बना तब से ये बॉर्डर एरिया है। तो आज देखिए आप हिमाचल में हमारे सारा यहाँ पे देखिए, आप इधर देखिए सारा अवैध खनन कर लिया है इन्होंने, ठीक है। बाकी अवैध खनन हमें नहीं पता कौन लोग आए, पर अवैध खनन हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का माल यहाँ से उठा के ले गए, जिससे हमारी पंचायत का नुकसान हो रहा है, हिमाचल का नुकसान हो रहा है और गांव का नुकसान हो रहा है। प्रशासन को 1100 नंबर पे भी हमारे वार्ड सदस्य ठाकुर दास जी ने वहाँ पे कंप्लेंट की है, पर वहाँ से भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी SH मतलब हमने बरोटीवाला थाना भी कंप्लेंट की दी है, बाकी कोई कोई इसके बारे में सुनवाई कोई नहीं है, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो फैन लिख के लेके ना सबके पुलिस वालों ने मतलब अपनी एप्लीकेशन FIR दर्ज करके ले गए, वो बोले अभी हम इसके बारे में उचित कार्रवाई करेंगे। बाकी हमारे ये हमारे साथ 500 मीटर में हमारा गांव बगुवाड़ा के लिए पुल लगा है, ऐसे अवैध खनन के चलते वो पुल हमारा 4 साल भी नहीं रहेगा, 4 साल बाद वो गिर जाएगा अगर यही हाल रहा। सरकार इस पे कोई गौर नहीं कर रही है, देख नहीं रही है, जबकि सरकारी प्रॉपर्टी का हनन हो रहा है, खनन हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हमारे संज्ञान में आज ही आया है ठाकुर दास जी मंधाला पंचायत के वार्ड पंच, तो इन्होंने इनकी जो कंप्लेंट है उसके अनुसार उन्होंने माइनिंग विभाग को भी पहले इस बारे में शिकायत की थी, तो ये संतुष्ट नहीं है। आज हमें इन्होंने कंप्लेंट दी है, हमारी टीम ने स्पॉट इंस्पेक्शन भी कर लिया है। इन एक्चुअल ये जो एरिया है ये हरियाणा और हिमाचल का बॉर्डर एरिया है, हमारे ध्यान में मामला आया है, हमने अभी पंजीकृत कर दिया है, इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।